सलाम कर रहा है हमारी ये वाली बकरी बच्चे देने के करीब है। एक गुड न्यूज है, अभी मैं अपने कबूतरों की सेटिंग देखने आया था। हमारी इस कबूतरी ने एक अंडा दिया हुआ है। पहले दिन को हमारी इस कबूतरी ने दो अंडे दिए हुए थे, अभी सुबह तक देखते हैं कि ये दूसरा अंडा देगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? रात हमारी कबूतरी ने एक अंडा दिया था, तो अभी सुबह का वक्त और मैं चेक कर लेता हूँ कि उसने दूसरा अंडा दिया या फिर नहीं। अभी मैं इसका दरवाज़ा ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। देखें, हमारे कबूतर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी जल्द अंडा दे देंगे। रात हमारी इस कबूतरी ने अंडा दिया था, अभी मैं इसे हटा कर देख लेता हूँ। अभी तक एक ही अंडा है, अभी तक इसका एक ही अंडा है, दूसरा अंडा शायद जल्द दे देगी, जैसे कल वाली हमारी कबूतरी ने दिया था। मैं अंदर अंडा देखने चला गया था और दरवाज़ा बंद नहीं किया, जिसकी वजह से कबूतर बाहर चले गए। ये देखें, सामने छत पर बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ये अभी बाहर धूप में मज़े कर रहे हैं। अभी हमने अपनी बकरियों को अंदर बंद कर दिया है कमरे के अंदर, और ये वाला चारा डाल देते हैं और फिर इनको बाहर निकालेंगे। ये देखें, मेरा भाई अपनी बकरियों को डाल रहा है, अभी बाहर निकालेंगे और फिर मज़े करेंगी। ये देखें, पहले बकरों को डाल दिया है, फिर हम अपनी बकरियों को इधर डाल देंगे। अब जनाब बकरियों की बारी है और बकरियों को डाल रहे हैं। ये देखें, ये हमारी बकरी पहले यहाँ से मौजूद होती है, इसको अंदर डालते हैं तो ये दूसरी बकरियों को मारती है, इसीलिए ये बाहर होती है। देखे, हमने इनको पत्तों वाली टहनियाँ डाल दिया है और अभी मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ और बहुत मजे करेंगे। देखें, इनका दरवाजा खोल दिया, अब देखें इनको आता, देखें ध्यान से, मुझे तो टक्कर ना मारो। ये देखें, ये गई और मजे कर रही हैं। ये देखें हमारे कबूतर घोंसला बना रहे हैं, लगता है ये मटेरियल इनको पसंद नहीं है, अब ये बाहर निकाल रहा है। आ जाओ आ जाओ। अभी हमारा कबूतर नेस्टिंग मटेरियल बाहर लेकर जा रहा था, ये देखिए इतनी मोटी लकड़ी लेकर आ गया है, जैसे बाज अपना घर बनाते हैं, और हमारा दूसरे कबूतर ने उसका नेस्टिंग मटेरियल चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कबूतर यहाँ पर आ गया और उसे भगा दिया। ये वाला कबूतर नेस्ट मुझे यहाँ चोरी कर रहा था और यहाँ पर रख रहा था अपने घर के लिए। ये देखें, ये नेस्टिंग मटेरियल लेकर जा रहा है, कबूतर नेस्टिंग मटेरियल की तैयारी में लगे हुए हैं, नेस्ट बनाने में बिजी हैं, और हमारी बकरियाँ देखें पत्ते खाने में बिजी हैं, और तकरीबन सारे पत्ते खा गए हैं, बस थोड़े बहुत बचे हुए हैं। काफ़ी मुश्किल से ये नेस्ट बना रहे हैं। ये देखें, यहाँ से उठा उठा कर फिर यहाँ पर अपने मकान में ले जाते हैं। इनके लिए नेस्ट बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं यहाँ से नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा करके फिर इनके मकान में डाल देता हूँ, फिर इनके लिए नेस्ट बनाने में आसानी होगी। ये इतना सारा मैंने जमा कर लिया, ये देखें, ये थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल मैंने जमा किया
और अब इनको अंदर डाल देता हूँ, देखता हूँ कि उन्हें पसंद आता है तो फिर मजीद इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पर डाल दूंगा। ये देखें, ये भैंस लेकर आया है और मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर। इनको ये मटेरियल पसंद नहीं आया, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और अपने कबूतरों को भी बंद कर लेता हूँ और फिर शाम को निकालेंगे, क्योंकि मैं काम पर जा रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कोई बिल्ली या और चीज़ हमला कर दे इन पर। अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ये देखें ये बंद हो गया, और इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खेतों में आया हूँ। यहाँ पर पानी लगाया हुआ है और ये देखें यहाँ पर एक गूंगा शख्स लकड़ियाँ बांध रहा है। आपकी इसके साथ मुलाकात कराते हैं, बहुत ही मज़ाया आदमी है। ये सामने हमारा पीटर चला हुआ है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर खड़ी हुई है और पीटर चला हुआ है। और ये हमारी गंदम की फसल है, थोड़ी बहुत उग रही है, ये देखें। और हमने इसको पानी लगाया हुआ है, ये देखें। और यहाँ पर गूंगा शख्स काम कर रहा है, ये मेरा कज़न। चल ठीक है, चक्कर लगा। सलाम कर रहा है, मैं इससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो और ये सलाम कर रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देखें काफ़ी मेहनत कर रहा है और लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। अभी इसने ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, बहुत ही मेहनती आदमी है और बहुत ही फनी आदमी है। अभी मैं घर जा रहा हूँ और हमारा पीटर चला हुआ है। घर जाकर देखकर कबूतरी ने दूसरा अंडा दिया है। अभी मैं घर पहुँच गया हूँ और चेक कर लेता हूँ कबूतरों को। मुझे इन कबूतरों की समझ नहीं आ रही, पहले यहाँ पर ये वाला पिजन था और अब ये कबूतर यहाँ पर आया बैठा हुआ है। और दूसरे कबूतरों को भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने अंडे दिए या फिर नहीं, और इस कबूतरी ने अभी तक दूसरा अंडा नहीं दिया। एक गुड न्यूज है, हमारी एक बकरी बच्चे देने के करीब है, आज या कल तकरीबन बच्चे दे देगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी ये वाली बकरी बच्चे देने के करीब है। इसका पेट चेक करें, देखें, ये तकरीबन आज या कल बच्चे दे देगी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी कबूतरी ने भी अंडे दे दिए हैं और हमारी बकरी भी बच्चे देने वाली है। एक साथ दो खुशियाँ मिल गई हैं, तो बहुत जल्द ये भी बच्चे दे देगी और हमारी कबूतरी के भी बच्चे निकल आएंगे। पहले हमारी बकरियों के बच्चे ज़ाया हो जाते थे, पता नहीं क्या मसला था। अल्लाह खैर करे, हमारी ये बकरी अब जल्द बच्चे देने वाली है। यह देखें हमारे बछड़े चारा खा रहे हैं दोपहर का, और हमारी गाय और भैंसे वगैरह भी दोपहर का चारा खा रही हैं। मैंने कबूतरों को शाम का खाना डाल दिया और अब आखिरी टाइम चेक कर लेते हैं। अभी तक इसका एक ही अंडा है, अभी तक इसने एक ही अंडा दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।